हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हो जाता है, इसके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वो भी सीरीज कौन सी? तो 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ हम गारंटेड करना चाहते हैं कि अगर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि पिछली क्लास में जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस थे 2016 से 2023 तक, सभी करा दिए। अब ये आज की क्लास में जो आपके हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो ये कहते हैं कि हमें बहुत टफ लगता है ये सब्जेक्ट, कुछ समझ में नहीं आता है या बहुत लेंदी है, तो सब चीज़ें जितने भी ये डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब चीज़ों को समझते हुए चलें और अच्छे से इसको सीखते चलें। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए कि मतलब मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। भाई, मूल्यांकन मतलब हमने क्या किया, आंक लिया चीज़ों को कि क्या हो रहा है, कि जो शिक्षण के लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस तरह से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? तो मापन मूल्यांकन का वो भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यताओं को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं कि किसी को 60% अंक मिले या किसी का नाम दे दिया, रीता, सीता, गीता, कुछ भी नाम दे दिया, उसको 50 अंक मिले या 60 अंक मिले या 80 अंक मिले, तो आप उसको कैसे शैक्षिक मापन आप कौन सा करेंगे? तो आप उसका आप बताएं, ये मात्रात्मक हुआ या गुणात्मक हुआ। तो ये मात्रात्मक होता है, इसमें बड़ा सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये हम डाउट क्लियर किए देते हैं। तो ये मात्रात्मक हुआ जहाँ पर भी, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, मात्रात्मक होता है क्योंकि जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर अंक दे दिए हों, जैसे आपकी लंबाई कितनी है, जितने भी फुट जितने भी इंच होती है वो लंबाई दे दी, या आपको इतने प्रतिशत अंक मिले, या कहने का मतलब है गणित में अंकों का होता है मामला, है ना। तो अगर सब्जेक्ट पूछ लिया जाए तो गणित, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये गुणात्मक है तो मात्रात्मक है, आप बताएं, तो ये मात्रात्मक हो जाता। और गुणात्मक में ये होता है, गुणात्मक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गुणात्मक वो होता है जिसमें भिन्न भिन्न अलग अलग हो, जैसे आपका क्या हो जाता है, जेंडर के अकॉर्डिंग लड़का है लड़की है, है ना, आपको अलग अलग चीज़ें हैं, आपकी बुद्धि है तो वो अलग अलग है, क्योंकि किसी का बुद्धि मापन किया जाता है तो अलग बुद्धि लब्धि होती, किसी का मापन किया जाता है तो अलग बुद्धि लब्धि होती, यानी यहाँ पे क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो हो जाता है गुणात्मक। लेकिन जहाँ पे अंक की बात आए वो मात्रात्मक होता है। तो चलते हैं, समझ लेते हैं शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। मापन मूल्यांकन का वो भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही क्या है। तो परीक्षण, यहाँ पे समझ लें कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन हम क्या कर रहे हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये परीक्षण होता है। उसके बाद है मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष हो जाता है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? व्यापक मतलब क्या होता है, फैला हुआ, क्या होता है, फैला हुआ, या आप कह सकते हो फैलाव, आप इस तरह से भी कह सकते हो फैलाव, या आप कह सकते हो बड़ा क्षेत्र। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। यानी व्यापक मूल्यांकन आप कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में, फैली हुई मात्रा में, तो क्या होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हर एक चीज़ को जानने के लिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि बालक के अधिगम, अधिगम मतलब सीखना यानी लर्निंग,
उसको प्रभावित करने वाला, क्योंकि अधिगम को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए व्यापक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है ना। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताएं तो रचनात्मक एवं योगात्मक। तो यहाँ पे रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी, एक्टिविटी करके बच्चा सीख रहा है चीज़ों को, तो ये हो जाता है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं जो रचनात्मक मूल्यांकन हो जाता है वो क्या होता है और योगात्मक मूल्यांकन होता है वो क्या होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जो शिक्षक विद्यार्थियों की शिक्षा की निगरानी रखता है, ठीक है ना, और क्या कहता है कि नियमित रूप से और टाइम टाइम पर फीडबैक देता रहता है। तो उन्होंने क्या अच्छा किया है या कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये क्या होता है, जैसे क्लास में शिक्षक है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे रोज़ क्लास बच्चे अटेंड कर रहे हैं, रोज़ स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे को क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा कैसे सीख रहा है, उसे ऐसा तो नहीं है, निदानात्मक की आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है, यानी निदान की आवश्यकता है या उपचार की आवश्यकता है, या बच्चा सही से सीख रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में निगरानी रखता है, ठीक है। तो ये मतलब रोज़ की बात हो जाती है कि रोज़ किया जाता है और टाइम टाइम पर मतलब किया ही जाता है। और योगात्मक में कि जो शिक्षक सत्र होता है उसके अंत में किया जाता है, तो वो योगात्मक हो जाता है। अंत में क्या किया जाता है, जैसे भाई एग्ज़ाम हो जाते हैं, परीक्षा होती है, तो उसमें वो हो जाता है मूल्यांकन। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सहायता यानी कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्य के लिए उसे तैयार किया गया है ना। वैधता, यही तो पूछा जा रहा है कि अच्छे परीक्षण में वैधता यानी वैलिडिटी, ये चीज़। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भाई प्रश्न बच्चों से क्यों किया जाता है, क्योंकि ये पता चलता है कि हाँ बच्चा कितना सीखा है और क्या उसको सिखाने की आवश्यकता है। तो प्रश्न करने का उद्देश्य ये हो जाता है कि बालक के ज्ञान स्तर का पता लगता है, बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। भाई आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया, आपने मान लीजिए कोई पाठ पढ़ाया और उसके बाद बच्चे से उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया, तो यही तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएँ बताएँ तो स्पष्ट यानी प्रश्न स्पष्ट भाषा में हो रहे होने चाहिए, यानी स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। यहाँ पर ये है, प्रश्न ना ज़्यादा सरल और ना ही ज़्यादा कठिन होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस एज में है, जिस क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग तो आप उसे क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं बच्चा कक्षा दो में है और आपने क्वेश्चन कर लिए कक्षा आठ के, तो ये चीज़ नहीं है। बच्चा जिस क्लास में है उसी के अकॉर्डिंग आपको उससे प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट भाषा हो, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए, और प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए, क्योंकि वही चीज़ के स्तर के आधार पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि है बच्चा छोटे क्लास में आप क्वेश्चन कर रहे हो बड़े क्लास के और बच्चे को अभी तक वो चीज़ें आपने पढ़ाई भी नहीं और आप उस स्तर से क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत होती है। और क्या होता है कि प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि भाषा समझ में आनी चाहिए बच्चों के, ऐसे नहीं कि आप बहुत ही टफ भाषा में कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसा जो चीज़ें होती हैं बहुत आसान होती हैं लेकिन उसकी भाषा नहीं समझ मिलती है ना। तो ये चीज़, ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताएं। तो प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकारों में कौन कौन से हो जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, क्योंकि दो प्रकार ही प्रश्न के होते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या लिख देते हैं कि प्रश्न कई तरह के होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मिलान वाले प्रश्न होते हैं, ये सभी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न दो ही तरह के होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, आपके पास एक चीज़ है और उसके अंतर्गत कई चीज़ें आ रही हैं, वो है मामला यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है मतलब यहाँ पे लिख दिया कि प्रश्न बहुत तरह के होते हैं, अति लघु, बहुविकल्पी, दीर्घ, ये वो, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन कौन से आते हैं। जैसे आपके मिलान वाले प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है भाई, पूर्ति प्रश्न हो जाते हैं, ये हो जाता है, चयन वाले हो जाते हैं, सत्य असत्य हो जाते हैं, सही गलत, और मिलान वाले, वर्गीकरण वाले, ये हो जाते हैं किसमें, वस्तुनिष्ठ में आते हैं। उसके बाद निबंधात्मक में कौन से आते हैं, तो इसमें आपके अति लघु हो जाते हैं जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है ना, और लघु हो जाते हैं और दीर्घ हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं।
तो आप लोग चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं तो दो तरह के होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार बताएं या निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार बताएं, तब आपको लिखना रहेगा उस तरह से जैसे अभी हमने आपको बताया। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध में क्या है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, और इसमें सबसे ज़्यादा किस पे करना चाहिए, तो बच्चा स्वयं से उसके सम्मुख समस्या आए और उसको खुद से सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए है कि समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। शिक्षा के इस क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। यानी कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में जो बच्चे के सम्मुख समस्याएं आती हैं और उसको उन समस्याओं को खोज लेना क्या कहलाता है, तो क्रियात्मक शोध कहलाता है। और क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए, तो साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नों द्वारा, अवलोकन द्वारा। भाई कैसे आप कर सकते हो कि आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ले सकते हो, तो पता चल जाएगा कि कितना आता है बच्चे को, कितना नहीं आता है। प्रश्न, प्रश्नोत्तर द्वारा, भाई प्रश्न आप उससे कर सकते हो और आप अवलोकन भी कर सकते हो। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है, तो परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया यानी विधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो परिकल्पना ये होता है कि जैसे आपके सम्मुख कोई प्रॉब्लम आई है और आपके सम्मुख पहले वो प्रॉब्लम आ चुकी है और आप उसको सॉल्व कर चुके हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे अभी समस्या आई है तो आप क्या करोगे, जो आपका पूर्व ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग आप उससे मिलान करोगे कि समझोगे कि हमारे सम्मुख वो समस्या आई थी तो हमने इसका निराकरण इस तरह से किया था, तो उसी से आप रिलेटेड चीज़ों को करोगे, है ना, वही चीज़ हो जाती है। शिक्षा में नवाचार, नवाचार यानी नए तरीके से, है ना, नवाचार का मतलब क्या होता है, नए तरीके से नयापन लाना। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति विधियों में नवीनता का संचार करे। संचार मतलब आदान प्रदान करे, और इस यानी नवाचार यानी नए विचारों का। तो शिक्षा में आज क्या है भाई, नए, पहले क्या था, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी, पहले क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी, आज बाल केंद्रित है। पहले बच्चा चुप बैठता था, शिक्षक उसको पढ़ाते थे, आज बच्चा क्या है, आज शिक्षक क्या है, पाड़ और ढांचा का काम करते हैं, यानी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है बच्चा खुद से करके सीखे। तो यानी शिक्षा में बड़े ही बदलाव किए गए हैं, क्योंकि ऐसा था पहले कि रटन पद्धति पे ध्यान दिया जाता था, आज ऐसा नहीं है, रटन पद्धति पे ध्यान नहीं देकर बच्चों को सीखने पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा जितना सीख सके उतना अच्छा है। ऐसा नहीं आपने उससे एक क्वेश्चन किया, वो आपको क्वेश्चन नहीं बता पाया, आपने उसको निठल्ला कह दिया, ऐसा नहीं है। बच्चे से आपने एक क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं, वो नहीं बता पाया, लेकिन उसको और भी तो 10 क्वेश्चन आते, या आप उससे एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो खेल खेल में शिक्षा सीख रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि इन सब चीज़ों का जो नवाचार यानी नई पद्धतियों का नए तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो वही नवाचार हो जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए, तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम्य वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि, यही सब देखिए हो जाता है कि भाई मूल्यांकन का क्या लक्ष्य स्पष्ट कीजिए, तो इसमें क्या क्या, पृष्ठ पोषण हो जाता है और अभिप्रेरणा हो जाता है और अधिगम्य वृद्धि हो जाती है। अधिगम यानी लर्निंग, है ना, ये चीज़ें तो आप समझते ही हैं। शिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ाना यानी जो शिक्षा की गुणवत्ता है, यानी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना यानी उसमें जो क्वालिटी है उसको और बेहतर करना। वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि हो जाती है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताएं, तो मूल्यांकन को की भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना, यानी भावात्मक पक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो भावात्मक पक्ष में ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए आपके 2016 के सॉल्व हो चुके हैं, 2017 के सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है, तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए, तो युग्म मूल्यांकन क्या है, छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, युग्म यानी जोड़े से, और इसमें छात्र छात्राएं
यानी छात्र भी और छात्राएं भी हैं, है ना। सतत मूल्यांकन, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। तो सतत मूल्यांकन से यानी से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ चलता रहता है, यानी लगातार वो चल रहा है, जिससे विद्यार्थी के अनुभवों व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे, यानी वही चीज़ आ गई कि लगातार मूल्यांकन हो रहा है। व्यापक मूल्यांकन यानी बड़ा मूल्यांकन जिसका क्षेत्र बड़ा है, फैला हुआ है। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। यहाँ पे देखिए चार हो गए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक। ये आपके बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन भी है, क्योंकि मतलब अगर चीज़ें आपने समझ ली तो वो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन हो या अति लघु या लघु, तो आप सभी कर ले जाएंगे। बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है बालक में डील डॉल तथा भार में वृद्धि। इसमें मांसपेशियां तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती वरन या आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है उसके सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो जो जोड़े बनाए जाते हैं ना, तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों दो या दो से अधिक एवं एक सूची आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलान या जोड़ा बनाया जाता है। जैसे इधर इस तरह से दिए जाते हैं और फिर इस तरफ से दिए जाते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है, इस तरह से होता है। क्रियात्मक शोध का क्या उद्देश्य है? तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत में लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक शोध यानी क्या है? शिक्षा जगत में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है, यही क्रियात्मक शोध का उद्देश्य हो जाता है। क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास एवं उनके द्वारा किया जाता है। न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायदर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताएं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित पद्धतों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और आप लोग कमेंट भी ज़रूर किया करें कि अब नेक्स्ट क्लास आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास आपकी डिमांड पर ही बन रही है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया कि हमें ये क्लास चाहिए अभी, तो आपको ये क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाएं। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। ये कौन सा हो जाता है? तो शून्य परिकल्पना। अब यहाँ पे देखिए क्रियात्मक शोध से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पे हो जाता है शोध की समस्या अनुभव जन्य होती है, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए संपन्न किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तत्कालीन समाधान किया जाता है, इस कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है। इसमें क्या होता है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं? तो मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्य हैं, अधिगम क्रियाएं हैं, व्यवहार परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई इसमें शिक्षण के जितने उद्देश्य हैं वो हैं ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना है। अधिगम क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं हमें सीखने में वो हो जाती हैं। व्यवहार परिवर्तन, जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना,
बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और वो तो आप लोगों को खुद से ही दिख रहा होगा, अपने में ही वो परिवर्तन दिख रहा होगा, है ना। क्योंकि हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम जब नहीं किए होते हैं तो क्या होते हैं, और जब हम ग्रहण कर लेते हैं तब हम क्या होते हैं, बहुत बड़ा फर्क होता है और व्यवहार में वो दिखता है ना। क्रियात्मक शोध के चरण क्या है, समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास और विश्लेषण और निष्कर्ष लास्ट में होता है। क्वेश्चन देखिए बहुत इस तरह से कि लास्ट में क्या, तो सबसे लास्ट में निष्कर्ष होता है क्वेश्चन, ये भी आपका बहुविकल्पी टाइप में आया हुआ था, और एक बार नहीं कई बार। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया, ये 2018 में आया हुआ है। सतत और मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताएं, तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध, ये हो जाते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता बताएं, तो उत्तम परीक्षण के अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें उद्देश्य होता है ना। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं, इसमें व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के मापन में करते हैं, है ना। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है, अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं, और अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। भाई विश्वसनीय की परीक्षण कितनी बार भी लिया जाए, आंसर एक ही आता है, तो वो विश्वसनीय हो ही जाता है। मापन के प्रकार बताएं, तो शाब्दिक या नामित मापन हो जाता है, क्रमिक मापन हो जाता है, आंतरिक मापन हो जाता है, अनुपातिक मापन हो जाता है। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है, तो BTC के लिए 1 महीना। क्रियात्मक शोध की अवधि क्या है, तो BTC के लिए 1 महीना। और विश्वसनीयता किसे कहते हैं, विश्वसनीयता यानी विश्वास, है ना, वही चीज़। तो अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त होता है। अब आप बच्चे से क्या कर रहे हैं, आपने परीक्षा ली तो बार बार वही आंसर आ रहा है, बार बार वही आंसर आ रहा है, यानी उसमें विश्वसनीयता है, यही ना। अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं, तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है, तो निदान मतलब डायग्नोस्ट, है ना। तो ये होता है, इसमें निदान शब्द शिक्षा के चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारणों को जानना या रोग का निर्णय करना। ये रोग का निर्णय करना यानी उसके पहले आप रोग के बारे में आपने जांच की, तो रोग को आपने क्या किया, रोग की जांच की और उसके बारे में जान लिया, अब आप उसका उपचार करेंगे। तो हम यहाँ पे निदानात्मक पढ़ रहे हैं, तो निदानात्मक ही पढ़ेंगे। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों विभिन्न के आधार पर उसके रोगों का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों, दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। यानी क्या कह रहे हैं कि निदानात्मक से मतलब ये हो जाता है कि अगर बच्चे में कोई कमी है तो हम उसको जाने, आखिर ये कमी इसमें है क्यों, अगर वो सुन नहीं पा रहा तो भाई क्यों नहीं सुन पा रहा, अगर अच्छे से देख नहीं पा रहा तो भाई देख क्यों नहीं पा रहा, या समझ नहीं पा रहा भाई क्यों नहीं समझ पा रहा, तो हम उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों। तो जब वो प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी उसके बाद में हम उसका उपचार करेंगे, यानी बच्चों में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, दूर करेंगे वो उपचार हो जाता है। यानी कार्टर गुड ने कहा है कि निदान का अर्थ सीखने संबंधी कठिनाइयों, कमजोरी, कमियों का पता लगाना, उसका निर्धारण करना, ये उपचार। अब निदान के बाद ही उपचार आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निदान पहले आता है उपचार बाद में, या उपचार पहले आता है निदान बाद में, या निदान और उपचार का कोई संबंध नहीं है या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, संबंध है, और दूसरी बात यह है कि निदान पहले आता है और उपचार बाद में आता है, क्योंकि पहले हम भाई डॉक्टर के पास गए तो पहले क्या किया, पहले हमें डॉक्टर ने ऐसे ही तो इंजेक्शन नहीं लगा दिया, ऐसे ही ग्लूकोज तो नहीं चढ़ा दिया, ऐसे ही तो दवा नहीं दे दी, पहले उसने जाना, और जब जाना कि हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है तभी तो वो हमको मेडिसिन देता है या इंजेक्शन लगाता है या हमारे ग्लूकोज चढ़ाता है, तो इस तरह से। तो उपचारात्मक क्या है, उपचारात्मक समझ लेते हैं,
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, यानी उपचारात्मक का मतलब ये हो जाता है इलाज करना, दवा देना, ऐसे आप समझ लो, सिंपल भाषा में दवा देना या उपचार करना। छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, बिल्कुल, जब उसमें क्या होगा भाई, छात्र पढ़ नहीं रहे थे, आप पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने क्या क्या उनकी जानकारी लेकर अब हम इलाज कर रहे हैं, तो उसके व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि पहले बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था, अब बच्चा पढ़ पा रहा है, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। फिर छात्रों की योग्यता में वृद्धि, जो वो योग्यता थी उसमें वो और योग्य बना, तो यानी योग्यता में भी वृद्धि हुई। छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, भाई पहले क्या था, मानसिक तनाव था क्योंकि बच्चा सीख नहीं पा रहा था, तो ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे को फ़र्क पड़ता है जब उसके क्लास में अन्य बच्चों के लिए तालियां बजती हैं, अन्य बच्चों की तारीफ़ होती है, लेकिन उस बच्चे की नहीं होती है ना। और बाद में क्या है, जब उसमें सुधार होता है, किया जाता है, तो उस बच्चे के साथ भी सब वैसे ही होता है, तो उसमें जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। अब बच्चा है, छोटा बच्चा है भाई, हम अपनी एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि हमारे सम्मुख एक बच्चा था, मान लीजिए कि हमारा भांजा था, ठीक है ना, वो मतलब बहुत स्मार्ट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हम भाई एक बार गए उनके यहाँ तो घूमने के लिए, तो हमने देखा उसमें ये प्रॉब्लम है, तो हमने उसको क्या किया, हालांकि रटन पद्धति तो बहुत ही बुरी मानी जाती है, लेकिन बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए, लेकिन हमने वो काम किया क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, लेकिन हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चंस थे उसको पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब किसी भी तरीके से, मतलब उसका मन खेल में बहुत ज़्यादा लगता है, तो क्या हुआ, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, जितनी चीज़ें हमने उसको याद कराई उतनी चीज़ें हमें खुद से उसके सिलेबस की याद हो गई, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बार हम पढ़ते थे तो वो एक बार पढ़ता था, अगर हम दो बार उसको पढ़ते थे तो वो दो बार पढ़ता था, यानी कहने का मतलब था कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता है, और वैसे सोचे मानसिक उसकी मतलब वो चीज़ नहीं कम थी, मानसिक तौर पर वो बहुत सही है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं। फिर जब देखा कि वो जितनी चीज़ें हैं उसको हमने याद कराई उतनी चीज़ें हमें भी उसके सिलेबस की याद हो गई, तो क्या हुआ कि जब उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, ये कोरोना का टाइम था, तो उसमें क्या था, जब ऑनलाइन क्लासेस उसकी हो रही थी तो वो कॉन्फिडेंस से, मतलब एक उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, और हमने वो चीज़ देखी, हमने उसको गेस भी किया कि देखो इसमें कितना बदलाव आया है, वो क्या करे, जैसे पहले बच्चों से क्वेश्चन किए जाते थे तो वो नहीं बता पाता था, अब हम उसके पास में बैठे हैं और ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब वो कि मैं पहले बताऊँगा, तो ये चीज़ हो जाती है, यानी उसके जो उसके यानी उसमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि पहले वो डर रहा था लेकिन उस टाइम वो नहीं डर रहा था। ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रही हूँ कि ऐसा होता ही होता है, और जब भी आप चीज़ों को सीखें तो किसी घटना को अपने सम्मुख रख लें, ऐसा कोई बच्चा आपके सम्मुख पड़ा हो, कोई आपका रिलेटिव या आपका कोई पड़ोसी, इस तरह से उसको अपने सम्मुख रखें और उसके बाद आप चीज़ों को समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, खैर बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो दक्षता आधारित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्रों की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता रहता है, इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। रचनात्मक यानी कि जो मूल्यांकन जो क्लास में रोज़ होते हैं, है ना, हफ्तेवारी, महीनेवारी और रोज़ भी चल रहे हैं, उनको कहते हैं, है ना। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिसमें छात्रों की दक्षता ग्रहणता को सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं, तो ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हो जाते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग तो आप जानते हैं, विश्लेषण जिनका जो विखंडन जिनका किया जाता है, जैसे हमारे सम्मुख को यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं, बहुत लेंथी में नहीं जाएंगे, और ये तो आपको पता ही है ना, बाकी अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट करना, हम इनको भी सरल भाषा में बता देंगे। तो विश्लेषण क्या होता है, वी से विश्लेषण और वी से विखंडन, यानी टूटना, यानी कोई भी है सम्मुख, हमारे सम्मुख समस्या आई है, हमने उसको तोड़ दिया और तोड़ के यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया और उस समस्या को हमने सॉल्व कर लिया। और संश्लेषण क्या होता है, उसको हमने एक में जोड़ दिया,
जोड़ के, तो ये चीज़ हो जाती है, ये तोड़ के होती है और ये जोड़ के होती है, संश्लेषण जोड़ के और विश्लेषण विखंडन करके छोटे छोटे भागों में तोड़ के। उसके बाद है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। मूल्यांकन में यही तो होता है भाई, मूल्य को आंकना, मूल्यांकन यानी भाई जो चीज़ें हैं बच्चे ने कितने हद तक उसको सीखा है, कितना सीखा है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। ये हो जाता है शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श एवं निर्देशन, निदान, अन्वेषण एवं शोध कार्य। कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्तेजना का, उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभावीकरण। शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? तो मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न प्रकार है: सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण में उन्नति, परीक्षण प्रणाली में सुधार और विद्यालयों का सुधार, ये हो जाता है इसमें। उसके बाद है अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है? तो अवलोकन क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य यहाँ पे हो जाता है उस नवाचार व विचार से है जिसके मानने या स्वीकार करने वाले उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। नवाचार यानी नवीन विचार, यानी नवाचार करने का मतलब है नई चीज़ों को उसमें सम्मिलित करना। पहले बच्चों को मार कर, डांट कर, है ना, बहुत सारा होमवर्क दे दिया गया कि ये इतना होमवर्क करके लाना, भले बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है, टीचर से डर रहा है, ऐसा। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले की शिक्षा सही नहीं थी, जब भी ये चीज़ आती है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि अगर पहले की शिक्षा सही ना होती तो आज जो रिज़ल्ट आपके सम्मुख है, हम हैं और जो आप लोग हैं, ये सब क्या पहले की शिक्षा लिए हुए नहीं है। लेकिन अब जो शिक्षा है तो उसमें बच्चे को एक्टिविटी करके बच्चा खुद से सीख रहा है और शिक्षक क्या है तो पाठ और ढांचे के रूप में वर्क कर रहा है। और नवाचार, यहाँ पे शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है? नवाचार वही नई चीज़ें लाना, नयापन करना। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वो नवाचार शब्द की ही देन है। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण प्रविधियों में अनेक प्रकार की नवीनता का समावेश हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बहुत चीज़ों में बदलाव हुआ है, वह शैक्षिक नवाचार को ही प्रदर्शित करता है। शिक्षा जगत में नवाचार को विद्वानों द्वारा निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। E.M. रोजर्स के शब्दों में नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। H.G. वॉर्नेट के शब्दों में नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। बिल्कुल सही बात है, और ये चीज़ हो गई तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। खैर, इस चीज़ के लिए तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सहमत हैं कि नवाचार आया। पहले क्या होता था, शिक्षक बच्चों को, मतलब ये था कि जो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसके घर का माहौल इस तरह, ज़रूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे माँ बाप हों वही अपने बच्चों को पढ़ाएं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं माँ बाप तो वो अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। लेकिन तो जैसे बच्चों का, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे थे तो उनके बच्चे भाई घर से ही बोलना अच्छे से सीख के जाते थे और अच्छी चीज़ें सीख के गए। अच्छी चीज़ों का मतलब है हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसा होता था कि जो बच्चा बेचारा घर से थोड़ा सा उस तरीके का था कि घर से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी जिस चीज़ की वहाँ स्कूल में उन चीज़ों का होता है कि कॉन्फिडेंस आना, है ना, कॉन्फिडेंस आना कि हमको टीचर के सामने भी बोला जाता है, हम बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ होती थी कि वो टीचर के सामने नहीं बोलता था, वो बच्चा नहीं बोल पाता था क्योंकि वो घर में नहीं बोलता था, उसको ऐसा माहौल नहीं मिलता था। तो उस बच्चे को पहले क्या होता था, कुछ भी नहीं समझा जाता था, अरे ऐसे ही है, उसको दबा दिया जाता था और ऐसे ही कि ठीक है नहीं आता कोई बात नहीं, उससे पूछा ही नहीं जाता था, इस तरीके से। लेकिन बातें तो बहुत हैं, खैर, लेकिन आप कहेंगे कि मैम खैर आप लोगों का टाइम यहाँ पे वो चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है जिसमें बातें कम और काम ज़्यादा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस बात को मैं पेंडिंग में रखती हूँ और फिर कभी मैं शेयर करूँगी। बाकी मैं एक चीज़ लास्ट में कह दूँ कि अब जो ये चीज़ है तो बच्चे, सभी बच्चे, चाहे वो अमीर तबके से आए हों, गरीब तबके से आए हों, समावेशित शिक्षा जब से हो गई है, कि वो लड़का हो, लड़की हो, कहीं से भी आया हो, कुछ भी हो, उसके मम्मी पापा इंजीनियर है, डॉक्टर है, या उसके पापा कृषक हैं,
या उसके पापा मजदूर हैं, कुछ भी है तो सभी को एक जैसी शिक्षा दी जा रही है। ये चीज़ सबसे अच्छी हुई है जो चीज़ हुई है। खैर बाद में वो बात पेंडिंग रह गई है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, फिर है आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास के स्तर को स्पष्ट करती है। इस तरह से आपको हो जाता है। आप चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, अभी आपके यहाँ पे क्वेश्चन 2018 के चल रहे थे, अब 2019 के स्टार्ट हो गए। नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, नवाचार से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है नई चीज़ों को लाना, नवाचार, है ना। जब आपने इतनी बात को समझ लिया, अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथों में वर्णित सत्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना, ये हो जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन यानी हम जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो टाइम टाइम पर आपसे क्वेश्चन किया, टाइम टाइम पर आपसे चीज़ें पूछी कि ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है, तो हम पीरियड के बाद हम पूछ लेते हैं, फिर दूसरे दिन भी वो चीज़ पूछते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे रोज़ क्लास चल रहे हैं तो रोज़ हम आपसे कोई ना कोई चीज़ पूछ रहे हैं, यानी हम आपसे फीडबैक ले रहे हैं, ये चीज़ हो जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायदर्श का क्या अर्थ है? तो न्यायदर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया कि संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? वैधता, वैलिडिटी, है ना। तो किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है, जिसके मापन में सत्यता यानी, है ना, तो उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। तो यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंधित, वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है। अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से जिसमें कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताएं। देखिए फिर से नवाचार वह विचार है जिसके मान्य स्वीकार करने वाले उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। यानी क्या है कि जो चीज़ उसमें कमी है उसको नए तरीके देना और नए तरीके से उसको देखना कि बच्चे में बच्चे में शिक्षा कैसे, यानी बच्चे को हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इसमें ऐसा क्या नयापन लाएं जो बच्चा सीख सके। अब यहाँ पे है शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कोरे महोदय के अनुसार 1953 के में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आ वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करने, निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण क्या हैं? तो अवलोकन एवं साक्षात्कार। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण, देखिए पलट पलट के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों से हमने जो स्टार्टिंग में बात कही थी कि अगर आप लोगों ने इन तीन क्लास को बहुत अच्छे से देख लिया, वस्तुनिष्ठ टाइप की ये क्लास हो गई, एक हो गई आपकी जो पिछली क्लास थी, और आपकी ये क्लास अति लघुत्तरी टाइप, और नेक्स्ट क्लास आपकी लघुत्तरी टाइप, फिर आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे, बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कहीं से अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो लिखित क्या है? इसे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। भाई आप जब लिखते हैं तो पहले चीज़ों को आप समझेंगे, फिर रटेंगे, हालांकि रटने पे तो ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि चीज़ों को समझेंगे। कुछ चीज़ें याद भी करने वाली होती तो वो बिना याद के तो नहीं हो पाती हैं। और पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। भाई हमें कोई चीज़ लिखनी है तो हमें पहले उसको समझ लेना है, तभी तो हम लिख पाएंगे ना।
बालक में मौलिकता का विकास होता है, बालक में चिंतन शक्ति ग्रहण शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? समाजमितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाजमितीय गुणांकन उपकरणों से बालक में सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। मांसपेशियां एवं अंग गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन इसमें वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखे। देखिए फिर से उपचारात्मक शिक्षण आ गया। तो उपचारात्मक शिक्षण यानी समस्या का पता लगाकर उसका समाधान करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये आपका हो जाता है, प्रत्येक छात्र कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, तथा ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं अध्यापक के पास जाना चाहिए, और जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। उपचारात्मक जिन बालकों को निदान की आवश्यकता उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। आप क्रियात्मक शोध देखिए फिर से आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध की शिक्षा आवश्यकता, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके, शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके, कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रतम सरलता से सुलझाया जा सके, शिक्षण से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके, शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। ये आपका हो जाता है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, व्यापक मतलब फैला हुआ है ना, बड़ी मात्रा में, फैली मात्रा में। बालक के अधिगम में किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। मापन क्या है? तो मापन मूल्यांकन का वो भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने आपको बताया था कि मापन भाई क्या है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, दोनों तरह का होता है, लेकिन मात्रात्मक वो होता है जिसमें अंक दिए होते हैं, और गुणात्मक वो होता है जो अलग अलग हों, जैसे बुद्धि है तो किसी की अलग है ना, ये चीज़। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है बच्चों। अब यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण देखिए फिर से यहाँ पे रिपीट है, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण है, यानी वही चीज़ की जो कमी है उसका पता लगाकर इलाज करना, यानी बच्चों में जो कमी है तो उसको जान लिया और उसके बाद उसको उसी अकॉर्डिंग चीज़ों को समझाया सिखाया। परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो परिकल्पना समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या को प्रभावित उत्तर परिकल्पना है। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिगत साक्षात्कार, फोन साक्षात्कार, आभासी साक्षात्कार, पैनल साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, सॉरी यहाँ पे अनौपचारिक है, अनौपचारिक साक्षात्कार। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक नवाचार, नवाचार वो परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे, या नवाचार वो विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। ठीक है, उसके बाद है छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है। तो छात्र प्रोफाइल हमारी शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं के प्राप्तांकों पर छात्र छात्राओं की सफलता असफलता का मूल्यांकन होता है। छात्र प्रोफाइल का महत्व शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हो, और यदि उसमें कोई दोष हो या अकादमिक रूप से मंद हो अथवा शिक्षण गतिविधियों में उसकी रुचि न हो तो प्रस्तुत नवाचार के माध्यम से छात्र छात्रा का समग्र विकास हो सकता है, क्योंकि फाइल बहुत ज़रूरी होती है, जैसे पोर्टफोलियो। तो उसमें क्या होता है बच्चों का, उसमें कौन सी वो गतिविधि करता है, क्या उसने कौन से ग्रेड प्राप्त किए, सभी चीज़ें, मतलब जितनी भी उसमें चीज़ें होती हैं, उसके जो भी चीज़ें उसने सीखी होती हैं, जो भी उसमें कमी होती है, वो हर चीज़ उसमें लिखी होती है, तो वो चीज़ हो जाती है। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो निदानात्मक वही डायग्नोस पता लगाने के लिए है ना। तो निदानात्मक मूल्यांकन परीक्षण का उपयोग शिक्षकों को अधिगम की कठिनाइयों या विद्यार्थियों की समझ में अंतराल को जानने और शिक्षार्थी की क्षमता, कमजोरियों, कौशलों आदि की पहचान करने में मदद कर। देखिए बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है।
तो आपको बस पता होना चाहिए कि है क्या, मूल्यांकन क्या है, निदानात्मक क्या है, उपचारात्मक क्या, मतलब ये सभी चीज़ों के बारे में आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों में आपको पता है कि निदान का मतलब होता है कमज़ोरी को जानना, उपचार का मतलब होता है कमज़ोरी को दूर करना, मूल्यांकन को क्या होता है मतलब उसको आंकना, है ना, रचनात्मक का क्या मतलब होता है, जो रोज़ जो स्कूल यानी क्लास में क्या होता है रोज़ चीज़ें आंकी जाती हैं वो रचनात्मक होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पता हो तो आप उसको फैलाकर लिख सकते हैं। व्यापक जैसे तो मतलब फैला होता है, सतत होता है तो मतलब लगातार होता है, ये चीज़ें। और ये चीज़ें हम एक दिन जो जब एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल जैसे आपका मान लीजिए एक दो दिन बचेंगे तो हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आएंगे जिसमें ये सभी हेडिंग्स के बारे में हम डिस्कस कर देंगे। तो जब डिस्कस कर देंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता है आपका, हालांकि जितना आपने पढ़ लिया है इतना इनफ होगा, लेकिन फिर भी जब आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो हम उन पॉइंट्स को लेकर आएंगे और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा देंगे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। प्रश्न आपका हो जाता है, प्रश्न पत्र बनाने के चरणों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डिज़ाइन भाई तैयार किया जाता है। भाई कोई चीज़ हमें बनानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाई डिज़ाइन ही तो पहले बनाएंगे ना। फिर क्या करेंगे, प्रिंट तैयार करना होता है, फिर प्रश्न बनाना होता है, संपादन करना होता है, और अंक योजना उसके बाद होती है। ब्लूप्रिंट क्या है, तो ब्लूप्रिंट को हम हिंदी में नील परख पत्र या नील पत्र के नाम से जानते हैं। नील पत्र अथवा ब्लूप्रिंट किसी प्रश्न पत्र के निर्माण से पूर्व प्रश्नों के अंक निर्धारण कर तैयार किए जाने वाला खाका होता है। ब्लूप्रिंट का निर्माण छात्रों के स्तर और यहाँ पे आपका हो जाता है स्तर को जानने के लिए होता है ना। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हो जाता है, ब्लूप्रिंट को हम क्या कहते हैं, तो नील परख या नील पत्र के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को तीन भागों में विभाजित किया है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, जिसको हम कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, देखिए फिर से आपका ये आ गया, तो प्रश्न होते दो ही प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि आप लिख दो नहीं, बहुविकल्पी भी होता है, तिलघु भी होता है, मिलान भी होता है, सही गलत भी होता है, मगर प्रश्न दो ही प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न में अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी आते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मिलान प्रश्न, पूर्ति प्रश्न, चयन, सत्य असत्य, मिलान और वर्गीकरण, ये सभी आते हैं। पुनर्बलन का क्या अर्थ है, तो जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं पुनर्बलन कहलाता है। क्रियात्मक शोध की उपयोगिता क्या है, तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में वांछित सुधार करना, विद्यालय की उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने में सहायक और विद्यालय की समस्याओं का समाधान। एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषता है, तो वैधता यानी वैलिडिटी, संतुलन यानी बैलेंस, सक्षमता यानी इफिशेंसी, ये हो जाती हैं, और भी है वस्तुनिष्ठता और एजेक्टिविटी और विशिष्टता, स्पेसिफाई और आपका कठिनता, डिफ़िकल्टी, है ना। तो ये आपका हो जाता है परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य, तो परीक्षण में वैधता, देखिए घूम फिर के क्वेश्चन वही आ रहे हैं, परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से जिसे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वो बनाया जाता है, परीक्षण यही तो होता है ना। अनुसंधान का क्या अर्थ है, तो किसी समस्या का तत्कालिक या त्वरित समाधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 2023 के हैं, पहले 22 के यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 23 के करेंगे फिर 22 के करेंगे। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए, तो इसमें आपका हो जाता है शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है, तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता होती है। विश्वसनीयता क्या है, उसको परिभाषित कीजिए, तो करलिंगन के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता, ये है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन। तो अब आप समझ गए ना कितना कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। एक उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं बताएं तो वैधता और विश्वसनीयता होता है। निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। मापन एवं परीक्षण में कोई अंतर बताएं, एक अंतर बताना है। तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य का वर्गीकरण कीजिए। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मापन के चार स्तरों के नाम लिखने हैं तो नामित स्तर, कर्मित स्तर, आंतरिक स्तर, अनुपातिक स्तर, ये हो जाते हैं। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता और साक्षात्कार दाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। साक्षात्कार में भाई तो यही तो होता है कि आप गए होंगे इंटरव्यू देने, कभी तो गए होंगे, तो क्या होता है सामने बैठे होते हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं और हम उनके सामने बैठे होते हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं, हम उनका आंसर देते हैं, यही तो साक्षात्कार होता है ना। तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है नवाचार। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। नवीन विचार यानी नवाचार। नवाचार किसी नवीन कार्य को करना है, किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। इसके सब पे डिस्कस कर चुके हैं तो लॉन्ग डिस्कस अब नहीं करेंगे। क्रियात्मक शोध के उपकरण कौन से हो जाते हैं? तो अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार और विशेष। और उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाता है परीक्षण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षुओं से अधिगम की जांच करता है परीक्षण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के दो यात्री क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताएं। तो शोध की समस्या अनुभव जन होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण के बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। उसके बाद आपका है परिकल्पना से क्या आशय है? तो शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या होता है? परिकल्पना होता है। वही चीज़ जो हम आपको बता चुके हैं कि आज कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसको हम पिछला जो हमारा हम कर चुके हैं उससे हम अनुमान लगाकर चीज़ों को करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो वही हो जाता है कि हम उसको याद करते हैं ना कि हाँ ऐसी चीज़ हुई थी, तो फिर से हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, उसमें मिलाकर उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायदर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। निदानात्मक परीक्षण, देखिए फिर से आ गया वही निदानात्मक परीक्षण। यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में आपको बता देते हैं, निदानात्मक यानी किसी समस्या का पता लगाना निदानात्मक होता है। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या होते हैं भाई? उसकी परेशानी जो है उसका पता लगाया। और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है, कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ है। भाई कोई चीज़ में असमर्थता है तो क्यों है? तो उस समस्या का पता लगा लिया, बस यही है और इसमें इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। शैक्षिक शोध क्या है? तो शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है, उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्यों की जाती है? भाई इसमें कॉन्फिडेंस आता है, इसमें भाषा शैली में सुधार होता है, वो भी अभी कर चुके हैं लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है। लिखित परीक्षा द्वारा भाषा ज्ञान की जानकारी होती है। लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है। और है मूल्यांकन की दो विशेषताएं बताएं। तो ये व्यापक प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। सतत मूल्यांकन क्या है? तो इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है और इसे अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य, तो शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य क्या क्या है? नवीन विचारों यानी नवीन विचारों को लाना। तो इसमें क्या होता है भाई? व्यवहारिकता में परिवर्तन होता है। जब नई चीज़ें आती हैं तो बच्चा सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और क्या होता है? जो पुरानी चीज़ें हैं, हालांकि पुरानी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं लेकिन जो कुरीति होती है वो तो ख़राब है, क्योंकि कुछ चीज़ें चली आ रही हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए,
ऐसी कुरीति है, तो इसको बदलने की ज़रूरत है ना। पहले क्या होता था, बाल विवाह हो जाता था, पहले क्या होता था, लड़कियों को सती कर दिया जाता था। तो क्या वो चीज़ें सही थी कि लड़की नहीं भी जलना, पहले तो उसको छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती थी, बहुत बड़ी उम्र के लड़के के साथ, लड़का क्यों, वो मैन होता था, और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। अब वो छोटी सी लड़की, उसको ये भी नहीं पता है कि शादी होती क्या है, ठीक है, फिर भी क्या करते थे, उसके पति के साथ में उसके साइड में चिता में उसको लिटा दिया जाता था ज़बरदस्ती, और उसको जला दिया जाता था। इसमें लड़की की कहाँ पे गलती थी कि उसको जलाना था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर वही रीति पे चलते तो आज क्या होता, बहुत ही बुरा हो रहा होता, क्योंकि जो नहीं भी मरना चाहती हैं लड़कियाँ, भाई कौन मरना चाहता है, कोई नहीं इस तरह से मरना चाहता है कि हमारी गलती भी नहीं है फिर भी हम मर जाएं। तो ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जो बुरी चीज़ें होती हैं तो उसका अंत करना ही होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि नवाचार, तो नए विचार क्यों लाए जाते हैं, तो शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुँचाना, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में मानी जानी चाहिए। शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना, क्योंकि सरल बनाना इसलिए कि भाई पहले शिक्षा ऐसी होती थी कि रटन पद्धति पे थी, सिलेबस पढ़ा दिया जाता था, मोटे मोटे रजिस्टर बनाए गए और इसमें आप नोट कर लो, इसको पढ़ लो और याद कर लो। लेकिन अब क्या है, बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाया जा रहा है, यानी बच्चे के जो बस्ते का बोझ है वो कम किया जा रहा है, यानी जो भार है वो कम करके, और चीज़ें उसके माइंड में आनी चाहिए, यानी चीज़ें छपनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो रट रहा है रटते रटते, क्योंकि इससे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने से कतराते हैं, है ना, कि जाएंगे वही चीज़ें पढ़ाएंगे, हमारी समझ में नहीं आती है फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं। अब क्या है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं, अब इंटरेस्टिंग क्लासें बनाई जा रही हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें लाई जा रही हैं, TLM का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे बच्चे क्या हैं, बच्चे घर से ज़्यादा स्कूल जाने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। छुट्टी जिस दिन हो जाती है तो बच्चा सोचता है क्यों छुट्टी हो गई, क्योंकि घर से ज़्यादा वहाँ उसको सहूलियतें मिल रही हैं, घर से ज़्यादा उसको वहाँ पर आनंद आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो बदलाव यही नवाचार हैं, और नवाचार के उद्देश्य ही यही है कि बच्चे का मन, मैन मोटिव जो है कि जो बुरी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लाना, बच्चे का भविष्य उज्जवल करना, यही सब चीज़ें नवाचार में आती हैं। आप अपने तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। गणितीय कौशल को संक्षेप में बताएं, तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता में गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग में विचार करने की योग्यता, क्रम आकृति को पहचानने में उनमें अंतर करने की योग्यता। अब जैसे जब आपने ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ प्रशिक्षु इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने गणित पहले नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब जब DLED करना स्टार्ट किया तब तो भाई करना है, क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट ही मैथ का है ना। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि आपने मैथ पढ़ी तब आप में क्या बदलाव आया, और जब आप नहीं पढ़ते तो क्या बदलाव है। पहले क्या था, इतनी बारीकियां नहीं थी, अब क्या है, मैथ पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा बारीकियां आती हैं, तर्क शक्ति बढ़ती है, और उसमें यानी तर्क शक्ति, तर्क करने की हमारे में शक्ति बढ़ जाती है, और क्या होता है कि उसमें शुद्धता, जैसे कोई चीज़ हम करते हैं, पहले करते थे तो इतनी बारीकी चीज़ें नहीं ला पाते, अरे एक ही चीज़ तो छूट रही है, अरे कोई नहीं इतनी ही चीज़ तो छूट रही है। लेकिन मैथ से ये चीज़ की जानकारी हो जाती है, अगर एक पॉइंट भी आप, एक बिंदु, छोटा सा बिंदु अगर आप ऐसे इस तरह से लिखना भूल गए तो आंसर आपका क्या से क्या हो जाता है, और आपका वो गलत हो जाता है, यानी एक एक बिंदु का महत्व होता है ना। तो इससे क्या होता है, बारीकियाँ आ जाती हैं मैथ पढ़ने से, और वो अंतर आपने अपने में भी देखा होगा, और जो स्टार्टिंग से मैथ पढ़ते आ रहे हैं तो उनमें तो बारीकियाँ होंगी ही, है ना। और दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रतियों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है। तो जो दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो गणित पर निर्भर नहीं है, भाई आपने सामान मंगाया, कोई भी चीज़ आपने ग्रोसरी मंगाई, तो ग्रोसरी में क्या है, भाई ये चीज़ लानी, तो उसकी लिस्ट बनाई, इतने किलो लानी है, इतने किलो की है तो इतने किलो, मान लीजिए कि 25 रुपये का कोई एक किलो कोई चीज़ है तो आधे किलो कितने की मिलेगी, तो आप गणित का आपने यूज़ किया ना, आपने कोई चीज़ काउंट करके ली तो वो क्या है, गणित का यूज़ हुआ ना, दूध वाला आया उसका हिसाब है तो गणित है ना, धोबी है उसको कपड़े आपने दिए, गिन कर लिए, पैसे गिन कर दिए, उसको आपने जोड़ा कितने पैसे हुए, कितने एक कपड़े के कितने ले रहे हों, और अगर हमारे 10 कपड़े हैं तो कितने रुपये हमें देने, यानी कि सभी चीज़ों में गणित का यूज़ है, और दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप लिख सकते हो बहुत ही आराम से। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हो, तो भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी
दक्षताओं का विकास करने से। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है, क्योंकि भाषा भाई अगर हमको भाषा ही नहीं आती, हम अपनी भाई हमको अपनी बात को आप तक पहुंचाना है तो हम कैसे पहुंचाएंगे, तो भाषा का प्रयोग करेंगे ना। और अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। और भाषा कौशल होते कितने हैं, 4 होते हैं भाई। हम कुछ चीज़ सुन रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम लिख कर आपको समझा रहे हैं, कुछ चीज़ें हम बोल कर आपको समझा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप सुन कर समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लिख कर समझ रहे हैं, पढ़ कर समझ रहे हैं, तो यानी ये भाषाई कौशल हो जाते हैं। परीक्षण और मापन की किन्हीं 2 समानताओं को बताएं। तो परीक्षण और मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया, दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मौखिक परीक्षण के 2 गुण लिखिए। तो मौखिक परीक्षण के 2 गुण हो जाते हैं। मौखिक परीक्षाएँ निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी हैं। निदानात्मक यानी वही चीज़, फिर से चलिए रिपीट ही कर देते हैं कि कमजोरी का पता लगाना। तो जब आप मौखिक परीक्षा लेंगे तो बच्चे में, अगर बच्चा आपके जो आपने मौखिक परीक्षा ली और जो भी आपने सवाल किया तो वो नहीं बता पा रहा है, यानी आपने क्या समझ लिया कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, और जिस चीज़ की कमी है आपने उसकी जानकारी ली, उसके बारे में पता लगाया। छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करना, भाई बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है जब बच्चों से सवाल करेंगे, वो हमको जवाब देंगे तो क्या है, बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे, वो आज जो मजबूत बन रहे हैं कल वो आगे चलकर क्या होगा, बड़ी बड़े इंटरव्यू, बड़े बड़े साक्षात्कार में वो बैठेंगे और अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और अगर उनको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो वो कैसे ये सब चीज़ें अपने में ला पाएगा। मापन के प्रकार बताएं, तो मानसिक मापन और भौतिक मापन ये हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताएं। फिर से देखिए, उपचारात्मक परीक्षण आ गया। उपचारात्मक यानी किसी समस्या को दूर करना, उसका इलाज करना, ठीक है, आप ऐसे समझ लें बहुत ही सिंपल भाषा में। तो उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसमें अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना। भाई जाहिर सी बात है कि उस बच्चे में कमी है तो उस कमी को दूर किया, और दूर करने के बाद भाई आपने क्या किया, अब बच्चा क्या होगा, अब बच्चा आगे बढ़ेगा, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, जो उसमें कमी थी वो तो दूर ही हो गई। तो इस तरह से तो ये सभी चीज़ें हमने देखिए कंप्लीट कर ली। यहाँ पर 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चंस जितने थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी और चीज़ें समझ में भी आई होंगी। कहीं पे कोई डाउट कंफ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और अगर आप ये भी कहेंगे कि इस टॉपिक को आप और भी सरल भाषा में समझा दीजिए तो हम आपको और भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट क्लास आपको क्या चाहिए, कौन सी चाहिए। वैसे हम तो अपने अकॉर्डिंग क्लासेस लेकर ही आते हैं, लेकिन जब आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको इस टाइम किस क्लास की नीड है। क्योंकि ऐसा होता ना कि ये चीज़ हमारी तैयार हो गई, ये चीज़ हमने पढ़ ली, अब हमें इस चीज़ को पढ़ना है, इसके बाद हमें अगले इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आप जो भी बताएंगे उस तरह से क्लासेस हम लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाती हैं, और क्लासेस प्रोवाइड हो जाती हैं तो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। Thank you.